हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास फोर के एनवायरनमेंट की वर्कबुक, जिसमें आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज 14। 14 चैप्टर पढ़ने वाले, इसका नाम है लतिका की डायरी। इसमें आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सीखने के लिए मिलेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप स्वयं कर पाएंगे। तो फर्स्ट में आपसे इस क्वेश्चन गिविन है कि लतिका नीचे दिए गए दोनों चित्रों को देखती है, तो बताइएगा दोनों चित्रों में क्या अंतर है। अब आप इन दोनों जो चित्र दिए गए, इनके जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनमें क्या फ़र्क है। देखिएगा, इसमें क्या है, ये गाड़ियाँ एक रोड पर चल रही हैं और इधर साइड में कोई मकान नहीं है, खाली ज़मीन पड़ी हुई है। और इस रोड को जब आप देखें तो ये रोड जो जा रही है, लेकिन इसके दोनों तरफ ही बहुत घनी बस्ती है, यानी बड़े बड़े मकान बहुत नज़दीक नज़दीक बने हुए, स्पेस नहीं है। केवल इतना ही फर्क है कि एक रोड के दोनों तरफ घनी बस्ती है और एक रोड के दोनों तरफ घनी बस्ती, यानी किसी प्रकार का कोई मकान नहीं है। तो वही हमने इसमें लिख दिया कि एक चित्र में सड़क के दोनों तरफ कोई आवास नहीं है, जबकि दूसरे चित्र में सड़क के दोनों तरफ आवास बने हैं। और सेकेंड क्वेश्चन, एक अपने घर से स्कूल तक पहुँचने का रेखा चित्र बनाएगी। यहाँ आपको एक मैप बनाना है, इस प्रकार से आपका कहीं घर होगा तो उस घर को शो करेंगे, और जिस रास्ते से जैसे घूम घूम करके अपने आप स्कूल पहुंचते हैं, वो आपको पूरी मैपिंग इस पर स्वयं करनी है। इसी प्रकार से जब आप क्लास में बैठी हुए हो तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, आपके दाएं तरफ कौन है, बाएं तरफ कौन है, सामने कौन बैठा है और पीछे तरफ, आप इसको भी अपने आप स्वयं ही करेंगे। और ये रेखा चित्र, ये मैप दिया गया, यहाँ पर ये प्लस जैसा साइन बना, इसका मतलब ये होता है कि हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, यहाँ पर दक्षिण दिशा होगी तो इधर पूर्व दिशा हो जाएगी और इधर हो जाएगी पश्चिम दिशा। ठीक, ये इस प्रकार से दिशाएं हमेशा पेपर पर ली जाती हैं कि ऊपर की डायरेक्शन उत्तर में तो नीचे दक्षिण हो जाएगा, सीधे हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम हो जाएगा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एक मेन रोड है जिसका नाम है OMR रोड, और यहाँ पर ये कविता का घर है, ये है आपका प्राणी संग्रहालय है और सिटी हॉल है, ये पुस्तकालय है, इधर मंदिर है, इधर MG ऑफिस है और खेल का मैदान है। ये नीचे तरफ ये दिए गए ये खेल का मैदान है, MG ऑफिस है, ये मंदिर है, और ये है GST रोड, ये है गुरु नगर रोड, और फिर यहाँ पर एक स्कूल है, फिर ये लेक रोड है और आगे ये है ग्रीन रोड। ठीक, अब इससे संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, दिशाएं भी आपको बतानी पड़ेंगी, कौन किसके किधर है वो आपको बताना पड़ेगा। देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, लतिका को सुबह मंदिर से कविता के घर तक जाना है, जिसे तीर से दिखाया गया, जब आप चित्र देखें तो उसमें दिखाई देगा, तो बताइएगा कि रास्ते में ऐसे क्या देखने के लिए, मतलब रास्ते में क्या देखने के लिए मिलेगा, एक क्या पड़ेगा। जब आप उस चित्र में देखेंगे तो आपको पुस्तकालय मिलेगा। इसी प्रकार से प्रदीप शाम को गुरु नगर रोड से हिरणबाग जा रहा है, तो सूरज अस्त के समय प्रदीप किस तरफ देखेगा, तो वो हिरणबाग, ये गुरु नगर से हिरणबाग जो है पूर्व की तरफ है, तो जब वह उसके सूरज अस्त जब हो रहा होगा तो उसकी पश्चिम साइड में हो रहा होगा, तब वह देखेगा अपनी बाएं तरफ, बाएं तरफ देखेगा तो बाएं तरफ उसके पश्चिम हो जाएगा, सीधी सी बात ये है, तो बाएं तरफ देखेगा। मनन पुस्तकालय से ग्रीन रोड की ओर निकलता है, तो सिटी हॉल उसकी किस दिशा में होगा, ये हमने लिख रखा है, यहाँ पर राइट हैंड की तरफ सिटी हॉल होगा। आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ से वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। प्राणी संग्रहालय कविता के घर की किस दिशा में स्थित है, ये दक्षिण दिशा में स्थित है। सुमन को LG ऑफिस से GST रोड जाना है, तो वह किस दिशा में मुड़ेगी, पश्चिम दिशा में मुड़ेगी, जब आप देखेंगे उसमें तो समझ में आएगा। लतिका मंदिर प्रांगण में होती है, वहाँ से गुरु नगर रोड की ओर जाते हुए वह सूरज को उगता हुआ देखती है, तो पुस्तकालय उसकी किस दिशा में पड़ेगा, ये उत्तर दिशा में पड़ेगा। LG ऑफिस और ऑफिस OMR रोड की दक्षिण में पड़ता है, मतलब LG ऑफिस OMR रोड के दक्षिण में पड़ता है, तो बताइए ग्रीन रोड LG ऑफिस के किस दिशा में पड़ेगा, तो पश्चिम दिशा में पड़ेगा। तो ये उस क्षेत्र से संबंधित इतने क्वेश्चन थे। यदि आप किसी मानचित्र में कोई जगह दिखाना चाहते हो तो क्या उस जगह का नाम लिखना बेहतर होगा या संकेत दिखाना बेहतर होगा। देखो, जो मानचित्र होता है वहाँ संकेतों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है,
क्यों उस पर जगह कम होती है, तो हम संकेतों का प्रयोग करते हैं, हर चीज का नाम नहीं लिखते हैं। और नेक्स्ट है, यहाँ पर ये जो मैप होता है उसमें इनको किस चिन्ह से और किस रंग से दिखाया जाता है। जैसे पर्वत है, पर्वतों को पर्वत जैसा बना करके भूरे रंग से दिखा देते हैं, नदियों को नदी से बना करके नीले रंग से दिखा देते हैं, अस्पताल को रेड प्लस से दिखाते हैं, जंगल को हरे रंग से दिखाते हैं, और रेल मार्ग को इस प्रकार से काली लाइन खींच करके उसको कटिंग करते चले जाते हैं। ये इस प्रकार से ये रेल लाइन होती है। नक्शे की दिशा, नक्शे पर दिशाएं इस प्रकार से दिखाते हैं, ये एक साइन बना देते हैं, ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उसी हिसाब से आप उन चीज़ों को लोकेट करते जाइए। पर्वत का फिर पूछ लिया, पानी नीले रंग का होता, आइलैंड इस प्रकार से आइलैंड बना करके भूरा गहरा रंग, भूरा या हरा रंग से आइलैंड को हम दिखाते हैं। ठीक, वनस्पति को हरे रंग से दिखाते हैं। एक ही चित्र दिखाया गया है, इसमें ये कहा गया है कि ये नंबर तीन जो है, ये नंबर टू किसे शो कर रहा है, ये तो सब पर्वत है, तो नंबर टू जो है वो हमारे झील को शो कर रहा है, ये झील का साइन होता है। नक्शा बनाते समय कौन सी बात को ध्यान में रखना चाहिए, दिशा का ध्यान रखना है, चिन्ह का ध्यान रखना है, मानक का भी ध्यान रखना है, तो ये आपका सभी हो जाएगा। मानचित्र की सहायता से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, देखो पर्वत कहाँ पर है, अस्पताल कहाँ है, रेलगाड़ी मतलब रेल लाइन कहाँ है, आइलैंड कहाँ है, नदी है, जंगल है, पानी है, वनस्पति आदि, इन सभी चीज़ों का मानचित्र पर पता लगा सकते हैं। मैं और मेरे दोस्त आगरा घूमने गए तो जो नक्शा हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होगा, देखो नक्शे में क्या होगा, आप मतलब आपके किसी जगह को जा रहे हैं तो भूलने के चांस कम रहते हैं अगर आपके पास मैप है, मैप के अनुसार आप चलते थे। अगर आपके पास नक्शा है तब आप बगैर रास्ता भूले मतलब गंतव्य स्थान तक पहुँच पाएंगे। पैमाना से आप क्या समझते हैं, तो पैमाना क्या होता है, एक जो नक्शा बनाते हैं उस वक्त एक दूरी को मान लिया जाता है कि हमने मान लिया, मान लीजिएगा 1 किलोमीटर दूरी को हम 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे तो ये पैमाना होता है, तब जाके नक्शा बना पाते, मतलब मानक रूप उसका ये तो हो जाता है, ऐसे नहीं कि हम जो चाहे वो उसमें करते चले गए, एक मानक मान लेते हैं तो वो पैमाना के द्वारा माना जाता है। ठीक, तो पैमाना दूरी मापने के काम में आता है, जो मानचित्र को बनाने के काम आता है। पैमाना वास्तविक माप से छोटा होता है, वास्तविक माप से तो छोटा होगा, यदि हम हमारे पास ही पैमाना होता तो उसमें क्या होता है, हमने मान लिया इसे उसमें एक, अगर इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर जगह दी गई तो आप उसे मानेगा कि वो 1 किलोमीटर के बराबर शो हो रही है, तो पैमाना इसलिए छोटा हो जाता है। डूंगरपुर और रामपुर दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। अब यह दूरी 10 किलोमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर द्वारा मानचित्र पर दिखाई गई, यानी 10 सेंटीमीटर दूरी को हम 5 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, यानी 1 सेंटीमीटर को हम मान लेंगे 2 किलोमीटर के बराबर, ये पैमाना है। 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया 2 किलोमीटर की ऊपर, तो वह 10 किलोमीटर दूरी जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, ये पैमाना हमने माना है। अपने प्रदेश की राजधानी आप लिखेंगे, अपने प्रदेश की राजधानी का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, राजधानी में आपको लिखना है लखनऊ। अपने प्रदेश की राजधानी का नाम लिखेंगे तो आपकी जो प्रदेश की राजधानी है वो लखनऊ है, तो यहाँ पर लखनऊ लिखना था। यह शहर किस नदी के किनारे, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और लखनऊ के प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम चारबाग है, और इस शहर की 3 ऐतिहासिक इमारतों के चित्र यहाँ दिए गए हैं, आपको नाम लिखने हैं यहाँ पर। तो ये जो है रूमी दरवाज़ा है, ये बड़ा इमाम बाड़ा है, और ये रेजिडेंसी है, ये इनके नाम हैं। आप लखनऊ के कौन सी व्यवसायों के बारे में जानते हैं, तो जो लखनऊ व्यवसाय जैसे चिकन का व्यापार बहुत अच्छे से होता है, चिकन मतलब एक सिलाई कढ़ाई होती है, लखनवी है, जर दोजी है, फलों की खेती है, चीनी उद्योग है, ये सब लखनऊ से संबंधित है। लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है, अधिकतर बड़ी ऐतिहासिक इमारतें जैसे रेजिडेंसी है, रूमी दरवाज़ा है, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमाम आदि, ये अवध के नवाबों द्वारा बनवाया गया था, इसलिए लखनऊ को नवाबों को के शहर के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो वो इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है, यानी आज की डेट में इलाहाबाद को प्रयागराज कहने लगे। हर वर्ष माघ माह में आयोजित होने वाले मेले के बारे में लिखी गई, ये इलाहाबाद में, ये प्रयागराज में लगता है, हर वर्ष माह का मेला इसको बोलते हैं, वो तो प्रिया वो हर वर्ष तो लगता है, उसके बाद 6 महीने पर अर्धकुंभ लगता है, और वो 6 वर्ष पर अर्धकुंभ लगता है, और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है, यानी बड़ा कुंभ। प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ का मेला लगता है, प्रत्येक 6 वर्ष पर अर्धकुंभ लगता है, और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का मेले का आयोजन वहाँ पर होता है, जहाँ पर विश्व के श्रद्धालु उस मेले में आते हैं।
जवाहर नक्षत्रशाला किसके लिए प्रसिद्ध है? जवाहर नक्षत्रशाला से आकाश मंडल में तारों की स्थिति भी देख सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी वहाँ पर एक टेलीस्कोप लगी हुई है। आनंद भवन कहाँ स्थित है प्रसिद्ध? आनंद भवन प्रयागराज में ही है और प्रसिद्ध ऐतिहासिक संग्रहालय है यहाँ पर, यानी मतलब एक तरीके से इसको म्यूजियम बना दिया गया है, संग्रहालय है, बहुत सी चीज़ें इसमें स्टोर करके रखी गई हैं, इसलिए ये फेमस है। कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो कानपुर शहर गंगा जी नदी के किनारे है। कानपुर के प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम कानपुर सेंट्रल है। और कानपुर को औद्योगिक नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत से छोटे बड़े कारखाने कानपुर के अंदर हैं, इसलिए इसको औद्योगिक नगर कहा जाता है। कानपुर के दो प्रमुख शिक्षण संस्थान यानी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, तो एक चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय और एक IIT कानपुर भी है। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर के दर्शनीय स्थलों के नाम हैं, देखो गोरखपुर के दर्शनीय स्थल, एक तो गोरखपुर मंदिर है, गीता प्रेस परिसर है, आरोग्य मंदिर है और रामगढ़ का ताल है और गीता वाटिका है। ये ऐसे स्थल हैं जो गोरखपुर में देखे जा सकते हैं। गोरखपुर के प्रमुख उद्योगों के नाम लिखे, देखो कृषि है, ब्रेड बेकरी आटा, ये छोटे छोटे उद्योग गोरखपुर से संबंधित हैं। देश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म जो है वो गोरखपुर में ही अवस्थित है, यानी अपने पूरे भारत का सबसे लंबा अगर रेलवे प्लेटफार्म कोई है तो वो गोरखपुर में स्थित है। अब पढ़ते बनारस के बारे में, बनारस का प्राचीन नाम क्या था? इस नगर को किन किन नामों से जाना जाता? प्राचीन नाम बनारस का था, जैसे इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयागराज था तो वो बदल के प्रयागराज कर दिया गया, लेकिन अभी बनारस को वाराणसी या बनारस ही कहते हैं। इसका प्राचीन नाम था काशी, काशी बनारस वाराणसी, आप कुछ भी कह सकते हैं। सारनाथ कहाँ स्थित है इसके बारे में भी आप लिखे, उत्तर प्रदेश में स्थित है सारनाथ, और ये गौतम बुद्ध की पहली बार धम्म की को यहाँ पर पढ़ाया गया था, और इसमें मतलब राजकीय चिन्ह संग्रहालय भी यहाँ पर सारनाथ में है, जो अशोक की लाट वाला चिन्ह है राज चिन्ह, वो भी यहाँ पर ही संग्रहित है। अशोक की लाट यानी राज चिन्ह किसने बनवाया था? ये सम्राट अशोक, मतलब अशोक की लाट को सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये चार सिंह वाला स्तंभ है जिसमें पीठ से पीठ सटाए हुए चार सिंह चारों दिशाओं में मुँह करके बैठे हुए हैं, और ये हमारे देश का राज चिन्ह भी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने काशी देखो वही कह दिया, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस के प्रसिद्ध उद्योगों के बारे में देखो, बनारस का एक सबसे बड़ा उद्योग फेमस है जो विश्व फेमस है वो है बनारसी साड़ियाँ, और वहाँ इसके अलावा भी रेशम का काम भी होता है, ठीक मेन रूप से हमने इसको यही लिखा हुआ है। अब देखिएगा ये जो चित्र बना हुआ है, नाम लिखना है ताजमहल है, किस शहर में? आगरा में। किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। इसी प्रकार से ये कुतुब मीनार है, दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। अभी तक तो ये प्रमाण है, लेकिन इससे विवाद भी है, ये किसने बनवाई क्लियर नहीं है। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, मेन रूप से तो इसी के लिए प्रसिद्ध है। झांसी किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो महारानी लक्ष्मीबाई एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुई हैं, उनसे संबंधित है झांसी, इसलिए झांसी प्रसिद्ध है। कौन सी इमारत भगवान बुद्ध से संबंधित? सांची का स्तूप। बहुत सी इमारतें हैं जो भगवान बुद्ध से संबंधित है, तो सांची का स्तूप मेन रूप से हम इसमें लिख सकते हैं। अब देखो ये शहर हैं उनसे प्रसिद्ध चीज़ें हैं, देखो लखनऊ का इसमें छूट गया, तो लखनऊ क्या है? नवाबों का शहर है, यहाँ भी बहुत ही पुरानी पुरानी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक बिल्डिंग हैं, इनके लिए ये प्रसिद्ध है और दूसरी भी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर आम भी बहुत अच्छा होता, मलियाबादी आम वगैरह, उन चीज़ों के लिए भी लखनऊ प्रसिद्ध है। आगरा पेठा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा देखो वाद्य यंत्रों के लिए प्रसिद्ध है, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली इसलिए प्रसिद्ध है। कानपुर सूती वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग और राधा कृष्ण मंदिर, इन सब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। झांसी है, झांसी की का किला है, राजकीय संग्रहालय महारानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है, इसलिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, मतलब सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, इसलिए गोरखपुर फेमस है, जो कि राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और अंतिम दो क्वेश्चन है कि स्वयं द्वारा की गई किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्द, अगर आपने कोई यात्रा की है तो आप उसे यहाँ पर लिखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन इसका है कि निम्नलिखित बोलियाँ व भाषाएँ किन जगहों पर बोली जाती है? जैसे ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज क्षेत्र में क्या आ जाता है? चार पाँच जिले आ जाते हैं, जैसे आगरा है, मथुरा है, मैनपुरी है, आपका फिरोजाबाद है, एटा है, ये सब ब्रज क्षेत्र में आ जाते हैं, जहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। अवधि भाषा अवध क्षेत्र में बोली जाती है, अवध क्षेत्र में आपका आ जाता है कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, इधर का क्षेत्र आपका अवध क्षेत्र में आ जाता है। और बुंदेली भाषा बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, इसमें आपका आ जाता है झांसी है, ललितपुर है, बांदा, हमीरपुर, इधर बुंदेली भाषा बोली जाती है। कुमायूनी भाषा कुमायूं गढ़वाल यानी ये उत्तराखंड की भाषा है, और भोजपुरी भाषा ये बिहार में बोली
जाती है। तो ये था लतिका की डायरी, जो कि क्लास फोर के इन्वायरमेंट की 14 यानी 14वां चैप्टर था। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।